एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। सो जैसा कि आपने ऑलरेडी थंबनेल देख लिया होगा और थंबनेल देखने के बाद में आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि किसी कार्गो के ऊपर आग लगी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आप कह सकते हैं एक तरीके से जो सबसे ज़्यादा दुखद घटना, हाँ एग्जैक्टली आई विल यूज़ दिस वर्ड। क्यों मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, रीज़न बीइंग कि ये जो यहाँ आपको कार्गो के ऊपर फायर नज़र आ रही है ये 20 तारीख को लगी थी और अभी तक इसके ऊपर कंट्रोल नहीं पाया जा सका है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे कि ये पूरा सिनारियो है क्या, कहाँ की ये शिप है, क्या यहाँ पे कोई इंडियंस थे या किसी को कोई हार्म हुआ है, कहाँ से आ रही थी और ये एसिड रेन का इसके अंदर कौन सा ट्विस्ट है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले सेशन के लिंक को एक बार से शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में एंड डू लाइक द सेशन। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स के लिए या डेली एनालिसिस के लिए यू कैन ज्वाइन मी ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल, जहाँ पे सुबह 7 बजे आपका डेली करंट अफेयर्स होता है जो आपके हर एक एग्जाम को कवर करेगा, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट पीएससी और यूपीएससी। इसमें यूपी ट्रिपल एससी भी इंक्लूड कर लीजिएगा क्योंकि इसमें न्यूज़ होती है, फैक्ट होता है एंड जीके का पार्ट होता है। ऑल सेट, चलिए आइए बात करते हैं। देखिए अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि श्रीलंका के अंदर अभी रिसेंटली एक बिल पास किया गया है और वो जो बिल है वो पोर्ट बिल है। उस पोर्ट बिल में ये लिखा हुआ था कि जो कोलंबो का कोस्टल एरिया यानी कि जो वहाँ पर पोर्ट वाला एरिया है उस जगह को दे दिया जाएगा किसको, चाइना को, और चाइना वहाँ पे अब क्या करेगा, अपना डेवलपमेंट करेगा और एक स्पेशल जोन वहाँ पर क्रिएट करेगा और वहाँ से ट्रेड किया जाएगा चाइना के द्वारा। जब यहाँ पर इस बिल को पास किया गया था तो काफ़ी सारे सवाल उठे थे कि अगर ऐसा किया जाएगा तो चाइना जो है वो धीरे धीरे करके श्रीलंका को अपनी कॉलोनी बना लेगा। श्रीलंका के अंदर एक और पोर्ट है जिसका नाम है हम्बनटोटा पोर्ट, उसको ऑलरेडी यहाँ पे चाइना ने 99 ईयर्स के लिए लीज पर लिया हुआ है। लेकिन अभी जो रिसेंटली यहाँ पे घटना हुई है इसका क्या सिनारियो है अब हम वो समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक शिप है, एक कार्गो है जिसका नाम है MV एक्सप्रेस पर्ल। ये शिप कहाँ का है, दिस इज ऑफ सिंगापुर। कहाँ का, सिंगापुर का है। और ये था कहाँ पर, कोलंबो वाले पोर्ट के पास में इसकी इस टाइम पर लोकेशन थी जब इसमें आग लगी थी। और ये कहाँ है, ये श्रीलंका के अंदर लोकेटेड है। अब आप कहेंगे कि सिंगापुर तो दूसरे डायरेक्शन में, श्रीलंका दूसरे डायरेक्शन में, तो ये कहीं से आ रहा था क्या? तो इस बात को यहाँ समझिएगा कि इस पर्टिकुलर कार्गो के ऊपर टोटल 25 मेंबर्स थे और इसमें जब आग लगी तो ये श्रीलंका के कोस्ट पे था। इस पर्टिकुलर जगह पर यानी कि ये जो कोस्टल एरिया था जहाँ पे ये कार्गो खड़ा हुआ था, कार्गो है तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी सामान को लेकर आ रहा होगा। कार्गो का काम क्या होता है, कहीं ना कहीं से किसी चीज़ को ट्रेड कर रहा होगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर भरा हुआ सामान होगा। तो ये कहाँ से आ रहा था, ये इंडिया से जा रहा था। सबसे बड़ा यहाँ पे फैक्ट ये है कि ये गुजरात से जा रहा था, कहाँ पर, सिंगापुर। और उससे पहले जब इसने क्रॉस किया श्रीलंका वाला एरिया तो वहीं पर इसमें आग लग गई। अब जरा इस बात को समझिएगा कि इसके ऊपर जो क्रू मेंबर्स हैं उसमें चाइना के लोग भी थे, इंडिया के लोग भी थे, फिलीपींस भी है और रशिया भी है और भी कुछ कंट्रीज़ के इसके अंदर लोग थे। लेकिन सबको रेस्क्यू कर लिया गया था, सबको पहले ही बचा लिया गया था। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि भाई ये लास्ट ट्यूसडे का केस है। कब का केस है, ये लास्ट ट्यूसडे का। अब आप कहेंगे तो मैम आज क्यों पढ़ा रही हैं? अरे आज इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से हो चुकी है। अब आप देख रहे हो ये इंडियन ओशियन की इमेज है और अब आप सपोज करो कि अगर ये इमेज इंडियन ओशियन की है तो इस पर्टिकुलर जगह की क्या हालत अब तक हो चुकी होगी। मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ की मेराइन लाइफ की क्या हालत हुई होगी, एनवायरनमेंट की क्या हालत हुई होगी, इवन यहाँ पर आसपास के जो एरियाज़ हैं जहाँ पे ये फ्यूम्स गए होंगे, जहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो धुआं गया होगा उससे क्या क्या चीज़ें इफेक्ट हो सकती हैं। तो अभी ये बताया जा रहा है कि इस पूरे साल का, एक्चुअली सिर्फ इस पूरे साल की बात ना करें अगर हम, तो काफ़ी लंबे टाइम से ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। लेकिन अचानक से जब ये घटना हुई है तो इसे कहा जा रहा है ये काफ़ी बड़ा एक इकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालेगा हमारे पूरे वर्ल्ड पर। अब ऐसा क्या हुआ है इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। बहुत ज़्यादा खतरनाक है ना, देख के डर लग रहा होगा, डेफिनेट सी बात है क्योंकि वो सीन ही ऐसा है। अब देखिए ये जो कार्गो थी, ये कार्गो कहाँ से आ रही थी, हजीरा नाम की जगह है गुजरात में, वहाँ से ये किधर आई, कोलंबो के पोर्ट पे आ रही थी और कोलंबो के पोर्ट से होते हुए इसको जाना था। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि 20 मई की बात है जब ये वहाँ पे रुका हुआ था वहीं पर इसके ऊपर आग लग गई। अब आप कहेंगे हाउ, अब यहाँ पे देखो ऐसा कोई पॉइंट नहीं बताया गया है कि यहाँ पर ये जो आग लगी वो कैसे लगी। लेकिन जब इसमें आग लगी तो इसमें से एक गैस निकलना शुरू हो गई। आप कहेंगे कि मैम कौन सी वाली गैस इसमें से निकलना शुरू हुई, तो पहले आपको ये बता दें कि ये जो कार्गो जा रहा था ये इंडिया के गुजरात से होता हुआ जा रहा था, राइट। तो इसके अंदर था क्या, तो इसके अंदर काफ़ी सारे केमिकल्स थे और काफ़ी सारा रॉ मटेरियल इसके अंदर था जिसका यूज़ किया जाता है कॉस्मेटिक्स के अंदर। कॉस्मेटिक्स सब लोग समझते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने भी कुछ टाइम पहले देखा होगा एक कंट्री थी, एक आइलैंड कंट्री थी जिसने क्या किया था, कॉस्मेटिक के सामान को पूरी तरीके से बैन कर दिया था कि उसका जो वेस्टेज है वो किसी भी तरीके से ओशन में नहीं जाना चाहिए। तो क्या मुझे उस कंट्री का नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फटाक से लिखिएगा। तो इसके अंदर क्या था, बहुत सारा केमिकल था और बहुत सारा रॉ मटेरियल था जिसका इस्तेमाल होना था कॉस्मेटिक्स को बनाने के लिए, ठीक है। अब कॉस्मेटिक्स को बनाने के लिए यहाँ पे ये जो सारा रॉ मटेरियल जा रहा था, अब ये जलना चालू हुआ। जब ये जलना चालू हो गया तो इसके अंदर से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिलीज होना स्टार्ट हो गया। अब अगर ये गैस यहाँ से निकलेगी और वो भी ऐसे टाइम पर जब मॉनसून आने वाला है, तो यहाँ पे इम्पैक्ट बहुत खतरनाक हो सकते हैं। अच्छा, आगे पॉइंट देखो, इसके अंदर टोटल कितने कंटेनर्स थे, तो इसमें बताया जा रहा है करीबन 1486 कंटेनर्स थे और इसमें करीबन अगर आप देखें तो कितना 25 टन, कितना 25 टन यहाँ पे बताया जा रहा है कि नाइट्रिक एसिड। यार सिंपल सी बात है, अगर ये रिलीज होगा तो ऑब्वियस है कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से और वहाँ के लोगों के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि ये जो एमिशन हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, अगर ये एमिशन और भी ज़्यादा तेज़ी से होता रहा तो यहाँ से क्या होगा, जितनी भी मैराइन लाइफ है उस पर्टिकुलर जगह की, इंडियन ओशन की, वो तो इम्पैक्ट होगी होगी। और यहाँ पे ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है इस पर्टिकुलर जगह पर एसिड रेन भी हो जाए। और एसिड रेन के जो इम्पैक्ट होते हैं वो आपको भी मालूम है कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, चाहे वो ह्यूमंस की बात करिए, चाहे आप एनिमल्स की बात करिए, या फिर आप मैराइन लाइफ की बात करिए। अच्छा, तो क्या इंडिया ने कोई हेल्प नहीं करी? अब जैसे कि आपको पता है कि ये वाली जगह जो है वो तो चाइना ले लिया है ना, लेकिन फिर भी इंडिया ने यहाँ पे हेल्प करने के लिए अपने कुछ कोस्ट गार्ड शिप्स को भेजा था, जैसे कि वैभव है, डॉर्नियर है, इन सबको भेजा था। लेकिन उसके बाद में भी इस पर्टिकुलर जगह पर ये जो आग थी उसके ऊपर काबू नहीं पाया जा सका। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें तो हो गई, आग तो यहाँ पे लग गई, लेकिन अब सैटरडे को यहाँ पे बोला गया टू आर्ग्यूमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल एफर्ट्स। अब यहाँ पे कोशिश करी जा रही है कि इसके ऊपर जो आग लगी है इससे किसी भी तरीके का एनवायरनमेंट इम्पैक्ट ना हो। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस इमेज को देखने के बाद में कोई भी कह सकता है कि डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है। चलो, मतलब अब यही कह लो कि चाइना के शुभ कदम है यहाँ पे, है ना। और ये जो एसिड रेन होती है ये तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, क्लास 5-6 में ही हम लोग पढ़ लेते हैं कि एसिड रेन जो है वो कैसे होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे N2O है और SO2 है। जब ये दोनों रिलीज़ होती हैं, कहाँ से होती हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वहाँ से फ्यूम्स के फॉर्म में रिलीज़ होती है, और जब ये वाटर के साथ में रिएक्ट कर जाती है तो उसके बाद में क्या होगा, क्लाउड बनेगा, और क्लाउड के बाद में ये क्या होता है, मॉइस्चर है ना, मॉइस्ट चीज़ है, मॉइस्ट चीज़ है, ऊपर जाएगी ये चीज़, ऊपर जाने के बाद ठंडी होगी, ठंडी होने के बाद में क्या होगा, रेनफॉल होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल टर्म में इसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, जब बादलों की फॉर्मेशन होती है। और जब यही क्या हो जाएगा, रेनफॉल हो जाएगा, तो इसी को हम एसिड रेन का नाम दे देते हैं। यानी कि इसके अंदर दो गैसेस होंगी प्लस वाटर होगा। अब यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि धीरे धीरे करके मानसून का टाइम आ रहा है, और आपको ये चीज़ मालूम है कि जब मानसून का टाइम आता है तो 1 से लेकर 10 जून के बीच में इंडिया का जो केरला वाला एरिया है वहाँ पे मानसून स्ट्राइक कर जाता है। और ये मानसून आता किधर से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आता है, साउथ वेस्ट वाली जो विंड्स होती हैं वो मानसून लेकर आती हैं, और किधर से होते हुए आएंगी, श्रीलंका के ऊपर से होते हुए आएंगे। तो अभी यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अब ऐसे आसार हो सकते हैं कि यहाँ पे एसिड रेन की कंडीशन हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है। तो बस भगवान से प्रे करिए कि ऐसा कुछ भी ना हो, और किसी तरीके से देखो डैमेज तो हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है कि इम्पैक्ट तो आना ही आना है, लेकिन अब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए, भले ही मानसून थोड़ा सा डिले हो जाए वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो यही है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पे एसिड रेन हो सकती है। क्या होता है, इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन है ऑब्वियस ही बात है, कब होगा, जब क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इवापोरेशन होता है, बादल बनते हैं, और फिर कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि जब यही जो क्लाउड्स हैं इनमें से रेनफॉल होती है तो पानी नीचे आता है। तो ये पूरा एक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये एक छोटा सा बर्निंग इशू था जो अभी थोड़ी देर पहले मुझे न्यूज़ में देखा तो मैंने आपके साथ में शेयर किया, बट अब से 16 या अप्रॉक्स 17 घंटे पुरानी ये न्यूज़ हो चुकी है, क्योंकि ये काफ़ी सारे पेपर में कवर नहीं हुआ, लेकिन कुछ पेपर्स ने इसको कवर किया हुआ है, तो आई थॉट कि आई शुड शेयर विद यू। ओके चलिए, अच्छा तो ये तो था अपना बर्निंग इशू। एक बार सेशन को लाइक और शेयर मारिएगा, एंड इसके अलावा डेली करंट अफेयर एनालिसिस के लिए सुबह 7 बजे जुड़ना मत भूलिएगा वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ पे। और अगर आपने अभी तक बैचेस ज्वाइन नहीं किए हैं फॉर योर प्रिपरेशन, SSC है, UP SSSC है, या फिर आपका NDA CDS, कोई भी एग्जामिनेशन है जिसमें SSC के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि GS, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और ये स्टार्ट हुआ है 26 को, अभी तक एक ही क्लास उसमें हुआ है, क्योंकि सैटरडे संडे तो क्लासेस होते नहीं है। इसमें ज्योग्राफी का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। कोड विल बी क्रति10, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। बाकी आपका टेस्ट हर संडे को होता है दोपहर में 12 बजे। चलिए अच्छा, तो मिलते हैं सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पर रहिए। बाय एंड टेक केयर गाइस।